नौड़गांव देखो भाई यहाँ से, भाई साहब क्या क्लियर, एकदम बढ़िया। दोस्तों ये हमारे मतलब गढ़वाल का सबसे प्रसिद्ध फल तिमला, ये देखो भाई साहब, मतलब का फल के बाद यही है बहुत फेमस। ये भी पक चुका है, इधर देखो भाई पके हुए तिमले दिखाते हैं आपको एक दो। तो जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब लोग, आए हो सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के व्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के 12:30 बजे से, मतलब खाने की तैयारी चल रही होगी घर में आज, क्योंकि हमारी थी गोरों की बारी। गोरों की बारी को बोलते हैं गढ़वाली में पांती, मतलब गाय चराने होते हैं 2 लोगों को। तो मैं गाय ढूँढने आया हूँ, उनको देखते हैं मतलब बीच में, ताकि वो कहीं उजाड़ मतलब जिन खेतों में कुछ फसल बोई जाती है उनमें ना चली जाए। तो देखते हैं भाई, देखो इस एरिया में चल रही हैं भाई यहाँ पे गायें, लेकिन एक नहीं दिख रही है। एक देखो मंदिर में ये बछड़ा दिख रहा है, ये देखो एक बछड़ा दिख रहा है, इसका मतलब यहीं कहीं होंगी गाय। तो ढूंढते हैं, आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। तो दोस्तों जो अभी मेरी लाइव लोकेशन है, तो मैं हूँ अभी सिदलियों में। ये है हमारे चिनब मारने के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, ये बना रखे हैं भाई सरकार द्वारा, लड़के हैं नहीं लेकिन बना रखे हैं भाई, बढ़िया कर रखा है। तो खैर छोड़िए, वो देखो भाई मेरे को मिल चुके हैं मेरे गोर, गोर यानी गाय। यहाँ देखो भाई यहाँ है ना कि मेस यहाँ चल रहे हो खतरनाक, और जो बारिश के बाद पहाड़ों का नज़ारा है एकदम शानदार एंड क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको भी और मेरे को भी। तो दोस्तों अब मिल चुकी है मेरे को मेरी गाय, और अब जब गाय मिल चुकी है तो अब उनको मतलब घर नहीं लाना, क्योंकि उनका घर आने का टाइम होता है 2 बजे। 2 बजे वो पानी पीते हैं और तब फिर वो नीचे सारी में चले जाते हैं, फिर उसके बाद लाते हैं उनको घर 4-5 बजे, तो तभी लाएँगे उनको घर। और मैं जाऊँगा अभी सीधे घर, तो चलते हैं यार, और धूप भी बहुत लग रखी है क्योंकि टाइम 1 बज गया। तो चलते हैं घर, और चलते चलते आप लोग सड़क का मुआयना करा दे एक बार। यहाँ देखो भाई गड्ढे के अंदर फुल पानी भर रखा है। तो दोस्तों यार एक बात बताना तो आपको भूल ही गया कि मेरे स्कूल खुलने वाले हैं संडे, मंडे को जाऊँगा मैं स्कूल। तो 2-3 दिन रह रखे हैं अब स्कूल खुलने के लिए, मतलब पूरा जून ऐसा कट गया पता ही नहीं चला यार। गोड़ चराते चराते व्लॉग बनाते बनाते मैंने मतलब जून के महीने में शायद 40-50 वीडियो डाल दी होगी, और मेरे 500 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट मैंने मतलब, एक होता है ना मन ही मन सोचता है बंदा कि इस बार 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने इस महीने, तो मैंने वो कर ही दिए। आप सभी लोगों को एक और बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो यार क्लाउड्स देखो आप, ओह माय गॉड क्या कैड है, एकदम प्यारे प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों ये हमारे मतलब गढ़वाल का सबसे प्रसिद्ध फल तिमला, ये देखो भाई साहब, मतलब का फल के बाद यही है बहुत फेमस। ये भी पक चुका है, इधर देखो भाई पके हुए तिमले दिखाते हैं आपको एक दो। तो अभी मैं चल रखा हूँ भाई तिमले के पेड़ में, तो अभी मैंने 1-2 तिमले खाएंगे, तो खाते हैं यार। पेड़ देखो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और ये फल भी मतलब अच्छा होता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इसे, नॉर्मल लूज मोशन हो जाए। और यहाँ सामने आगे देखिए भाई हमारी भगवती माता का मंदिर, यहाँ देखिए ये है हमारे गांव का छोटा सा मंदिर, ये भी बहुत पुराना मंदिर है, पुराने ज़मानों के लोगों से आता। और आगे गाँव भी थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, आज बादल लग रखे हैं। यहाँ पे हमने सोलर प्लेट भी लगा रखी है, क्योंकि रात को ना कभी कभी फंक्शन हो जाता है मंदिरों में, तो तब लगानी पड़ती है सोलर प्लेट। नौड़गांव देखो भाई यहाँ से, भाई साहब क्या क्लियर, एकदम बढ़िया।
दिस इज आवर होम टाउन। बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है बारिश के बाद, मतलब ऐसे चमक रहे हैं घर चांदी की तरह, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है भाई। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं देवी माता के मंदिर में, तो दिखाते हैं आपको। यहाँ देखो इन्होंने नहीं, मतलब प्रधान ग्राम पंचायत देखो प्रधान जी ने यहाँ पे दो बेंच भी लगा रखे हैं। और यहाँ है मंदिर, ये देखो ये है मंदिर। और आपको दिखाते हैं भाई युवा लोगों की, मतलब आजकल सब शौकीन है इस चीज़ के। ये है हमारे घर में बनाए हुए डंबल्स, इनसे मारोगे तो डोले सोले बनेंगे भाई, क्योंकि ये बहुत तगड़े हैं, भारी भी हैं, हैवी भी हैं। पांच डंबल मैंने भी मार दिए भाई, मजा आ गया मार के, एकदम पूरा शरीर चुस्त पुस्त तंदुरुस्त हो गया। अरे एक वो और आ रहा है, ये यहाँ का खतरनाक लौंडा मोंटी। देखो दोस्तों अभी अभी तो धूप थी यार, अभी अभी बादल छा गए, अब पूरा अंधेरा छा गया भाई। यहाँ यहाँ देखो यार पूरा अंधेरा छा गया, यही तो है पहाड़ों में यार भाई। मतलब दो मिनट में आदमी तो यहाँ का एकदम भोला भाला रहता है, लेकिन मौसम ऐसा होता है चेंज सेकंडों में। गाँव का नज़ारा देखो दोस्तों क्या प्यारा लग रहा है, भयंकर, वाह वेरी नाइस। देखे गांव के ऊपर ऐसे मंडरा रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। और अब कोई नहीं रह रखा है गांव में, सब चले गए हैं दिल्ली के, सब जितने भी आए थे। दोस्तों यार मैंने खा लिया है खाना, और मौसम भी मतलब 3 बज चुकी है, और हवाएं चल रही है खतरनाक खतरनाक हवाएं। यहाँ देखो और मूंगरी भी हो चुकी है बड़ी बड़ी, मक्का बोलते हैं इसको। तो दोस्तों अब हो चुका है, बज चुकी है शाम की 5, और अभी अभी मौसम मतलब ऐसा हो रखा है कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश आएगी, लेकिन तो मैं बारिश में वीडियो नहीं बनाऊंगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो थी कि नज़ारा कैसा हो रखा है बारिश के बाद, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को कैसी लगी होगी वीडियो, मतलब मेरे ख्याल से अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और अपने छोटे से व्हाट्सएप फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और मिलते रहेंगे ऐसी बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग व्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय।